हेलो गाइस, चलिए आगे हम रिंग थ्योरी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, और रिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है डेफिनेशन, कि रिंग का डेफिनेशन क्या होगा। ठीक है, तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। क्या होता है हमारा रिंग? एस सेट, एक सेट आपको लेना है, ठीक है, ओके। आर, आर फॉर रिंग होता है, तो सेट को मैं आर ले लेता हूँ। सो ए सेट आर, ठीक है, टुगेदर विथ बाइनरी ऑपरेशंस, ओके, बाइनरी ऑपरेशंस प्लस, ठीक है, प्लस का मतलब हो गया आपका एडिशन एंड इनटू, इनटू का मतलब हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो एक सेट आर ले रहे हैं, आर फॉर रिंग, सो आर को सेट ले रहे हैं, ठीक है, और दो ऑपरेशन ले रहे हैं, प्लस और इनटू, ठीक है। तो इन दोनों ऑपरेशन के साथ ये जो आर है, ठीक है, वो मिल करके एक रिंग को डिफाइन करता है। तो क्या बोलेंगे? ए सेट आर टुगेदर विथ बाइनरी ऑपरेशन प्लस, दैट इज एडिशन एंड इनटू मल्टीप्लीकेशन, ओके, इज सेड टू बी ए रिंग, ठीक है, एक रिंग कहलाएगा, आर प्लस इनटू, इसको ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। कब? जब इसमें तीन प्रॉपर्टी होगा, ठीक है, मेनली थ्री प्रॉपर्टी होगा। नंबर ए, आर प्लस, ठीक है, इज एन अबेलियन ग्रुप, ओके। आर प्लस को क्या होना चाहिए? अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। बी, आर इनटू, ओके, इज ए सेमी ग्रुप, जो इनटू के रिस्पेक्ट में, ठीक है, विथ ऑपरेशन इनटू, आर इनटू। देखिए, ये अब एक ग्रुप है, ठीक है। जब हम लोग एक ऑपरेशन लेते हैं, ठीक है, सेट के साथ में, तो ये ग्रुप बनता है। तो डेफिनेटली आर प्लस एक ग्रुप है, तो ये कैसा ग्रुप होना चाहिए? अबेलियन ग्रुप, ओके। अच्छा, आर इनटू भी एक ग्रुप का सिंबल है, बट ये कैसा होना चाहिए? सेमी ग्रुप, ओके। कंप्लीट ग्रुप अगर नहीं भी है, सेमी ग्रुप है, तब भी क्या होगा? ओके, ये रिंग की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। और नंबर सी क्या होना चाहिए? ठीक है, इट होल्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसे एडिशन भी है, मल्टीप्लीकेशन भी, दोनों है, तो दोनों है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या होता है? कि अगर आप ए प्लस बी इंटू सी करते हैं, ठीक है, तो ये होना चाहिए ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी के बराबर, ठीक है, ओके। इसको हम लोग लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारा प्लस है और इनटू है, तो मेरा जो कह लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, सी जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है ए में भी और बी में भी, ठीक है। तो सी जो है अपने देखिएगा, तो लेफ्ट साइड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, सी इधर है और ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। सो इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, एंड ऑल्सो कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। लाइक दैट, ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो अब इसमें देखिए, इसमें ए जो है अपने दाएं तरफ, राइट साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, ठीक है। तो इंटू जो है, इंटू के साथ ए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बी में और सी में, इसको आप राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। तो तीन बेसिक क्राइटेरिया है रिंग होने के लिए, कि रिंग को अगर आप दो ऑपरेशन के साथ लेते हैं, प्लस के साथ में और इनटू के साथ में, ठीक है। तो प्लस के साथ में ये एक ग्रुप होगा, और कैसा ग्रुप होगा? अबेलियन ग्रुप। इनटू के साथ में भी एक ग्रुप का सिंबल में होगा, ठीक है, एक ग्रुप के जैसा होगा, बट सेमी ही ग्रुप होगा, तो काम चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करना चाहिए, ओके। तो ये डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप डिटेल में लिखना चाहते हैं इसको, तो ठीक है, तो डिटेल में भी मैं आपको बता देता हूँ, बट एग्ज़ाम में ये भी सफिशियंट डेफिनेशन है, ठीक है। लेकिन समझने के लिए हम लोगों को इसका डिटेल डेफिनेशन भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन जो है, मैं थोड़ा और डिटेल तरीके से भी लिख रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो इसका मैं अल्टरनेटिव फॉर्म ले लेता हूँ, ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म है, ये डिटेल्ड फॉर्म भी है, ठीक है।
तो क्या हम लोग बोलेंगे, ओके हम लोग बोलेंगे आर प्लस इनटू, ठीक है, इज सेट टू बी ए रिंग, सेट टू बी ए रिंग, ठीक है, इफ कब कब, जब नंबर वन आपने देखा कि आर प्लस क्या होना चाहिए मेरा, इज एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है, ओके अच्छा, अब अबेलियन ग्रुप अगर है तो अबेलियन ग्रुप के इनसाइड में क्या क्या प्रॉपर्टी आना चाहिए, तो आप देखेंगे, आप लिख सकते हैं क्या, दैट इज नंबर वन कि अगर हम जैसे हम प्लस में बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑपरेशन क्या लिया हुआ है हमने, प्लस, तो हम कोई भी दो एलिमेंट लें, ठीक है, ए और बी सेट में से, तो क्या होना चाहिए, उसका जो एडिशन है वो भी सेट का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं क्लोज़र प्रॉपर्टी, या आप इसको क्लोज्ड प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया नंबर वन। नंबर टू, नंबर टू ये है कि कोई भी अगर आप तीन एलिमेंट लेते हैं रिंग का, सेट का, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, ये एसोसिएटिव होना चाहिए, यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये सब आप ग्रुप में पढ़ चुके हैं, ठीक है, मैं बस आपको रिमाइंड करा रहा हूँ और हम लोग डिटेल डेफिनेशन लिख रहे हैं, ठीक है। नंबर थ्री, नंबर थ्री ये है कि आर के पास में क्या होना चाहिए, सेट के पास में, ठीक है, एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी होना चाहिए, यानी एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे आर हैज़ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दैट इज़ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, अगर हम सेट का कोई भी एलिमेंट लें तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ये रिलेशन होना चाहिए ए प्लस ई इक्वल टू ई प्लस ए इक्वल टू ए, ठीक है, तो आर हैज़ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी इसके पास एक एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, ओके अच्छा। नंबर फाइव, क्या आर हैज़ इनवर्स ऑफ एलिमेंट, इनवर्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है, फॉर इट्स एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, ठीक है, यानी आर का जितना भी एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट के लिए आर के पास इनवर्स ऑफ एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, दैट इज़ क्या, दैट इज़ ये आप कह सकते हैं कि कोई भी हम सेट का एलिमेंट लें, ठीक है, तो वहाँ से क्या होना चाहिए मेरे पास, उसके लिए a इन a प्लस बी बी प्लस ए, ठीक है, ये e के इक्वल आना चाहिए, मतलब कि तब हम लोग b को क्या बोलेंगे कि b जो है वो एडिटिव इनवर्स है, ठीक है, किसका, a का, तो r हैज़ इनवर्स, या आप यहाँ पे ज़्यादा बेटर है लिख ले सकते हैं एडिटिव इनवर्स, ओके, इसलिए कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो प्लस में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, ओके तो इसको आप जीरो एलिमेंट भी लिख सकते थे, क्योंकि हम लोग जो एडिटिव आइडेंटिटी है उसको हम लोग जीरो एलिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, तो आर हैज़ जीरो एलिमेंट भी आप लिख सकते थे, ठीक है, और यहाँ पे है आपका एडिटिव इनवर्स, ओके अच्छा। तो अब देखिए कोई भी एलिमेंट हम लें सेट का, तो उसके लिए मेरे पास ये एक बी मिलना चाहिए, फॉर ऑल ए इस तरह का कोई बी मिलना चाहिए, बी भी आर का एलिमेंट होगा, ठीक है, जिससे कि ये रिलेशन होल्ड करता हो, ठीक है, वेयर जो बी बिलोंग्स टू आर है, ये क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो ध्यान आपको देना है कि जो एडिटिव इनवर्स होगा वो भी आर का ही मेंबर होना चाहिए, और आर के पास जितना एलिमेंट है सबका एडिटिव इनवर्स मिलना चाहिए, ठीक है, तो आप देखिए इन चारों प्रॉपर्टी से मेरा R प्लस जो है R अंडर प्लस क्या हो जाता है, ग्रुप हो जाता है, ठीक है, बट ये अबेलियन ग्रुप अभी नहीं हुआ, तो अबेलियन ग्रुप ये कब होगा, जब इसमें एक और प्रॉपर्टी आ जाएगा, और वो प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, तो वो भी एक प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करना चाहिए, तो ये एडिशनल प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर सिक्स, क्या कि हमारा जो R है वो कम्यूटेटिव होना चाहिए, ठीक है, अंडर एडिशन, ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स, ठीक है, मतलब क्या है, दैट इज़, इसका मतलब ये है कि
कि हम कोई भी दो एलिमेंट लें सेट का, ठीक है, तो एडिशन में a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। आप कोई भी दो एलिमेंट ले लें सेट का, यह प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा मिला करके क्या हो गया आपका, जो फर्स्ट जो बिल्कुल क्राइटेरिया था कि R प्लस एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, तो वो आपका यहाँ से पूरा हो जाएगा, ठीक है, ओके, क्लियर। अच्छा, अब आइए सेकेंड, जो मेरा सेकेंड क्राइटेरिया है रिंग होने के लिए, वो क्या है, R अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए, इज ए सेमी ग्रुप, ओके, सेमी ग्रुप होना चाहिए। अच्छा, सेमी ग्रुप आप जानते हैं, एक तो होता है ग्रुप, तो ग्रुप में चार प्रॉपर्टी होता है तो वो ग्रुप कहलाता है, अगर उससे अगर आधा प्रॉपर्टी उसमें पाया जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, सेमी ग्रुप। तो ग्रुप में जो चार प्रॉपर्टी हैं, फर्स्ट फोर प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ऑफ ग्रुप, ये है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये आपका फोर, ठीक है, ये प्रॉपर्टी। तो ये जो चार प्रॉपर्टी है, इस चार प्रॉपर्टी में से सिर्फ फर्स्ट टू प्रॉपर्टी अगर मिल जाता है तो वो सेमी ग्रुप होता है। तो यहाँ पर यह एडिशन में लिखा हुआ है, हम लोग इसको मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, दैट इज़, ठीक है, नंबर नंबर वन आ जाएगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, क्या होना चाहिए कि ए इंटू बी करें, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, तो ए इंटू बी का वैल्यू भी रिंग का ही कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, यानी जो आपका क्लोजर या क्लोज्ड प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। और नंबर बी ये कि आप कोई भी तीन एलिमेंट ले लें ए बी सी बिलोंग्स टू आर सेट का, ठीक है, तो a इंटू बी इंटू सी का वैल्यू a इंटू बी इंटू सी के इक्वल आना चाहिए, यानी कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, क्लियर है, ठीक है, ओके। तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर जाता है तो आपका जो R है, जो री जो सेट है, वो इंटू में क्या हो जाएगा, सेमी ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या था, तो तीसरा था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो मैंने पहले ही लिख दिया है, ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एग्जिस्ट, ठीक है, दैट इज़ क्या, दैट इज़ ये कि एक तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ए इंटू ए प्लस बी इंटू सी क्या होना चाहिए, ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी, और एक आपका ये तो लेफ्ट हुआ, एक राइट डिस्ट्रीब्यूटिव यानी ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ठीक है, ओके। तो ये तो आसान सा चीज़ है, बट ये तीनों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है, यानी आर प्लस आपका एक अबेलियन ग्रुप हो गया, इंटू में एक सेमी ग्रुप हो गया, ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपके पास मिल गया ए वाला, ठीक है, फिर आपके पास ये बी प्रॉपर्टी मिल गया कि आर इंटू सीमी सेमी ग्रुप है, और ये आपको मिल गया कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, ठीक है। तो अगर किसी सेट में ये तीनों प्रॉपर्टी आपको मिल जाता है तो वो सेट अपने दोनों ऑपरेशन के साथ क्या कहलाएगा, रिंग कहलाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि आसान है, कोई खास मुश्किल नहीं है, तो इसको आप इजी ही लीजिए, ओके। अब है यहाँ पे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मेरा R इंटू है वो सेमी ग्रुप नहीं है, ठीक है, तो R इंटू में जो प्रॉपर्टी बच गया, ठीक है, वो क्या क्या बच गया, वो बच गया इन्वर्स ऑफ एलिमेंट का, यानी कि मल्टीप्लीकेशन में मेरा R सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी कॉन्टेन करता है, ठीक है, एक क्लोजर प्रॉपर्टी और दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तभी यह सेमी ग्रुप है। तो बाकी और जो दो प्रॉपर्टी है अगर वो भी आ जाता है रिंग में, तो अब रिंग नया कुछ काइंड बनाएगा, वो हम लोग रिंग के टाइप्स में देखेंगे, ठीक है। जैसे अगर इसके पास जो है, जैसे एडिशन में इसके पास आइडेंटिटी था, ऊपर में आप देखिएगा तो, ठीक है, जैसे इसके पास एडिशन में आइडेंटिटी था, अगर इसके पास मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है, तो ये एक स्पेशल रिंग हो जाएगा, ये एक रिंग का नया टाइप कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रिंग विथ यूनिटी। चूँकि जनरली जो मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी होता है वो क्या होता है, वन होता है, ठीक है, तो हम लोग उसको रिंग विथ यूनिटी कहेंगे, ओके। अच्छा, इसी तरीके से जैसे एडिशन में मेरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, अगर मल्टीप्लीकेशन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए, ओके, तो क्या हो जाएगा, वो आपका जो रिंग है वो कहलाएगा कम्यूटेटिव रिंग, क्लियर है। और जो इन्वर्स ऑफ एलिमेंट की बात है, ठीक है, कि इन्वर्स ऑफ एलिमेंट मेरा अगर रिंग में एग्जिस्ट कर जाता है फॉर एवरी एलिमेंट, देन क्या हो जाएगा, तब R इंटू आपका
आर जो है, जो सेट है, वो मल्टीप्लीकेशन में भी एक कंप्लीट अबेलियन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, और फिर ये जो है आपका फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग रिंग के टाइप्स देखेंगे और फिर फील्ड देखेंगे। तो आपको यहाँ से लिंक मिल गया कि कब कब आपको रिंग जो है वो न्यू काइंड्स में और फील्ड के रूप में डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो एक बात आपको जो यहाँ पे ध्यान देना है वो ये कि एडिशन में आर का सारा प्रॉपर्टी क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो अब जो भी टाइप्स आएगा रिंग में तो वो मल्टीप्लीकेशन के प्रॉपर्टी में एडिशन की वजह से आएगा, ठीक है। ओके, तो ये आपको ध्यान देना है। तो हम लोग अब करने जा रहे हैं क्या, देखिए टाइप्स ऑफ रिंग। ओके, टाइप्स ऑफ रिंग, तो ये टाइप्स ऑफ रिंग क्यों बन रहा है आपको समझ में आ गया, इसलिए कि मल्टीप्लीकेशन में जो इसके पास प्रॉपर्टी कम था वो प्रॉपर्टी ऐड होता जाएगा, तो अब रिंग नया नया कहलाएगा। जो एक सिंपल रिंग होता है वो हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपको हेल्प करेगा, ड्यू टू, ठीक है, एडिशन, ठीक है, इन प्रॉपर्टीज, ठीक है, अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रॉपर्टी ऐड होता जाएगा मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, वैसे वैसे आपका रिंग का नया टाइप्स बनेगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिंग में, ठीक है, आपको सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं रिंग विथ यूनिटी, क्लियर है, ठीक है। हम लोग रिंग विथ यूनिटी का बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या, मैंने आपको भी समझाया है कि ठीक है, अगर रिंग के पास क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रिंग विथ यूनिटी बोलेंगे, ठीक है। इफ ए रिंग, एक रिंग है मान लीजिए मेरे पास आर प्लस इन टू, ठीक है, इफ ए रिंग हैज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटी एलिमेंट। ये भी मैंने आपको बता दिया क्यों बोलते हैं, इसलिए कि जनरली मल्टीप्लीकेशन में जो आइडेंटिटी होता है वो वन होता है, कि वन को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वैल्यू पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यूनिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ओके, तो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में अगर मिल जाता है देन हम लोग क्या बोलेंगे, देन रिंग इज सेड टू बी रिंग विथ यूनिटी, क्लियर है, ठीक है। तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रिंग विथ यूनिटी बोलेंगे। ओके, अच्छा, अब देखिए इसमें हम लोग एक और लिख लेते हैं, टाइप नंबर टू, कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है। तो कम्यूटेटिव रिंग कब होगा, जब मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ये कम्यूटेटिव हो जाएगा, ठीक है। इफ ए रिंग आर प्लस इन टू, ठीक है, हैज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, अंडर ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन देन रिंग इज सैड टू बी, रिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, रिंग इज सैड टू बी कम्यूटेटिव रिंग, क्लियर है, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल भी मैं लिख लेता हूँ इसका, जैसे रिंग विथ यूनिटी के केस में क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका कि हम कोई भी एलिमेंट लें, ठीक है, ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, वी हैव, हमको इसका एक जो है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मिलना चाहिए हमको, ठीक है ना। ओके,
तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी जैसे मान लीजिए कि हमको मिलता है ई, ई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर वी हैव ई बिलोंग्स टू आर सच दैट क्या कि ए इंटू बी, ए इंटू ई करें या ई इंटू ए करें, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, क्लियर है, ठीक है। अगर ये एग्जिस्ट करता है मल्टीप्लीकेशन में देन क्या हो जाएगा आपका ये रिंग विथ यूनिटी कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ठीक है, इसमें अगर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें जो एग्जांपल है उसमें आप देखिएगा कि कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि फॉर ऑल कोई भी दो एलिमेंट लिया जाए रिंग का, ठीक है, क्या होना चाहिए ए इंटू बी, क्या होना चाहिए बी इंटू ए के इक्वल आना चाहिए, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव रिंग बोलेंगे। ओके, आइए कुछ हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, ग्रुप का तो काफ़ी सारा आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा है और ग्रुप के एग्जाम्पल के हिसाब से आप जो है रिंग का एग्जाम्पल भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी आइए हम लोग कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल, ओके, अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए, नंबर वन लेता हूँ मैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि ये आसान एग्जाम्पल है तो मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जो सेट ऑफ इंटीजर होता है वो क्या होता है हमारा, वो होता है जो हम लोग लेते हैं जेड से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है, क्या होता है, ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री, इस तरीके का होता है। तो अभी जो सेट आर है वो मेरा यही है, ठीक है, चूँकि हम लोग रिंग का काम कर रहे हैं तो सेट को आर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए क्या ये एक रिंग है, तो आप देखेंगे कि जो है बिल्कुल ये एक रिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले बात ये कि जो हमारा यहाँ पे सेट दिया हुआ है तो क्या है, R जो है इज़ ए रिंग, एक रिंग फॉर्म पर एक रिंग है ये, कैसे, ठीक है, इसलिए कि अगर आप देखते हैं तो R प्लस यानी एडिशन में क्या होगा, ये एबेलियन ग्रुप होगा, ठीक है, एबेलियन ग्रुप आप इसको देख सकते हैं, चूँकि आप तो ग्रुप पढ़ चुके हैं तो सारा प्रॉपर्टी ये होल्ड करता है, ठीक है। दूसरा चीज़ ये कि सेमी ग्रुप भी है ये मल्टीप्लिकेशन में, R इंटू इज़ ए सेमी ग्रुप, ये आपका सेमी ग्रुप भी है, ठीक है, कि दोनों प्रॉपर्टी जो है सेमी ग्रुप का वो होल्ड करता है। और थर्ड ये है, चूँकि ये क्या है आपका कॉम रियल नंबर का सबसेट है, ठीक है, तो रियल नंबर का सबसेट है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा, इसलिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को रियल नंबर या उसके सबसेट में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो है वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, तो ये आपका रिंग है। ओके, दूसरी बात ये है कि इसके पास देखिएगा आप तो मल्टीप्लीकेशन में भी इसके पास आइडेंटिटी है, चूँकि आपको पता है कि इंटीजर किसी भी इंटीजर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है, सिंस वन जो है वो आर के पास है, ठीक है, तो वन जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा, चूँकि वन ही है जिसको हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देयरफोर क्या लिखेंगे हम लोग, आर हैज़ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ओके, एडिटिव आइडेंटिटी तो इसमें है ही, वो मैं बात नहीं कर रहा, चूँकि वो तो हम लिख ही चुके हैं कि एक एबेलियन ग्रुप है, ठीक है, प्लस में। तो मल्टीप्लीकेशन में इसके पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ये है कि इसके पास यूनिटी एलिमेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, आर इज़ रिंग विथ यूनिटी, तो आर आपका क्या है, ये रिंग विथ यूनिटी भी है, ठीक है। उसके अलावा क्या ये कम्यूटेटिव रिंग है, तो बिल्कुल कम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है। Also, ओके, R क्या है आपका, इज़ कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है। तो जब कम्यूटेटिव रिंग बोलते हैं तो हम लोग का मेन जो होता है पर्पस वो अंडर मल्टीप्लीकेशन होता है, क्योंकि एडिशन में तो आप एबेलियन लिख चुके हैं तो एडिशन में तो ये कम्यूटेटिव है ही, इस पर बात नहीं है, तो मल्टीप्लीकेशन में ये भी कम्यूटेटिव होगा, चूँकि क्या है, ये रिंग, ये जो इंटीजर है ये रियल नंबर का सबसेट है, और रियल नंबर जो है, ठीक है, इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है आपका, वो कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। तो क्या है, आप कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, कोई भी दो इंटीजर लीजिएगा तो डेफिनेटली क्या आएगा, दोनों का जो मल्टीपल है, a इंटू बी कीजिए या b इंटू ए कीजिए, वो आपका इक्वल आने वाला है, ठीक है। ये तीनों प्रॉपर्टी इसमें होल्ड कर रहा है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से आप कुछ और भी एग्जाम्पल खुद से भी देख सकते हैं, ठीक है। आप अगर रियल नंबर ले लेते हैं तो रियल नंबर का अगर आप सेट लेंगे, ठीक है, तो रियल नंबर, इसी तरीके से अगर आप
लेते हैं दो रेशनल नंबर, ठीक है, तो रेशनल नंबर का सेट, रियल नंबर का सेट, ठीक है, ये सब क्या होगा आपका, एक रिंग भी फॉर्म करेगा, उसके फिर वो रिंग विथ यूनिटी भी होगा और कम्यूटेटिव रिंग भी होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे सिमिलरली आप इसको बोल सकते हैं क्या, जैसे आपका है ना सेट ऑफ रेशनल्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है, ये आपका आर, क्या, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये डेफिनेटली आपका क्या हो जाएगा, रिंग भी होगा, रिंग होगा, ठीक है, फिर आपका रिंग विथ यूनिटी भी होगा ये, ओके, और आपका ये कम्यूटेटिव रिंग भी होगा, कम्यूटेटिव रिंग भी है, ठीक है, ओके। अच्छा, इसी तरीके से एक मैं और एग्जांपल लेता हूँ, वो है मैं ले रहा हूँ सेट ऑफ इवेन इंटीजर्स, सेट ऑफ इवेन इंटीजर्स, ठीक है, इसको हम डिफाइन करते हैं कैसे, टू जेड से, ओके, क्योंकि टू से मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर का सेट को तो हमको सिर्फ इवेन वैल्यू मिलेगा, जीरो प्लस माइनस टू प्लस माइनस फोर प्लस माइनस सिक्स, ठीक है। तो जब आप इसको देखेंगे ना, तो ये भी ऊपर के जैसा आप इसको कर सकते हैं आसानी के साथ में, कि पहले तो ये क्या है आपका, रिंग है, डेफिनेटली रिंग है, ठीक है, चूँकि प्लस में सारा प्रॉपर्टी इसके पास है, ओके। अच्छा, अब जब मल्टीप्लिकेशन में बात आते हैं तो हम देखते हैं कि क्या ये रिंग विथ यूनिटी है, तो आप इसको बिल्कुल देख के बता पाएंगे कि ये रिंग विथ यूनिटी नहीं है, इसलिए कि इसके पास वन नहीं है, ठीक है, चूँकि इवन सेट आ गया तो ये अब सिर्फ रिंग रहा, रिंग विथ यूनिटी नहीं हुआ। हाँ, लेकिन जब आप कम्यूटेटिव का बात करेंगे तो फिर से चूँकि सारा रिंग में जो है वो इंटीजर एलिमेंट है, तो ये कम्यूटेटिव रिंग बिल्कुल हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, अच्छा, तो आप बहुत सारा एग्जांपल खुद से बना सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल आपको बोलने लगा हूँ, वो आप खुद से पहले सोचिए नेचुरल नंबर का सेट के बारे में, ठीक है, कि नेचुरल नंबर का सेट क्या है, ठीक है, नंबर थ्री, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स के जब आप सेट को देखते हैं तो आप पहले इसको सोचिए कि क्या है ये, इसके पास कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, कौन सा नहीं है, बिने वीडियो को म्यूट कर लीजिए और सोचिए, फिर मेरा वीडियो देखिए। तो देखिए, नेचुरल नंबर जो होता है वो क्या होता है, वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर होता है, ओनली वन टू थ्री फोर, ठीक है, ये, ओके। तो रिंग, क्या ये रिंग होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है, दिस इज़ नॉट ए रिंग, ये रिंग नहीं है। क्यों रिंग नहीं है, अब आप बताइए, इसलिए कि इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना वही फेल कर जाता है, कौन, आर जो है अंडर प्लस, अंडर एडिशन आप देखेंगे, ठीक है, तो ये क्या है, इज़ नॉट एबिलियन ग्रुप, एबिलियन ग्रुप। तो अब आप ये बोलेंगे कि भाई एबिलियन ग्रुप क्यों नहीं है, तो एबिलियन तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज आता है, तो एबिलियन तो है ये, बट ग्रुप नहीं है, असल में क्या है, आर प्लस जो है वो ग्रुप ही नहीं है, इज़ नॉट ए ग्रुप। जब ग्रुप ही नहीं है तो एबिलियन की बात कहाँ से आएगी, तो अब ग्रुप क्यों नहीं है, तो आप जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप काफ़ी स्पीड में इन बातों को सोच पाएंगे, इसलिए कि डेफिनेटली एन के पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है, जीरो आप इसमें नहीं देख पा रहे हैं, और एडिशन में जीरो को क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं बिकाउज क्या, बिकाउज एन नॉट हैज़, एन नॉट हैज़ जीरो एलिमेंट, ठीक है, इसके पास जीरो एलिमेंट नहीं है, ओके, यानी कि इसके पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है, एडिटिव आइडेंटिटी, यही इसके पास अगर नहीं है तो ये ग्रुप ही नहीं है, ग्रुप नहीं है तो प्लस में अगर ये ग्रुप नहीं बनाता तब तो ये रिंग भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ और भी एग्जांपल आप खुद से सोचें, और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ आपको और एग्जांपल बताने वाला हूँ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप इसको सोचेंगे, जितना सोचेंगे उतना आपका मैथ जो है वो और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।